रूबिका जी, इन्होंने दो सवाल उठाया। एक इन्होंने कहा सीए को आप क्यों नहीं मानते, पार्लियामेंट में पास हुआ। मैं कहना चाह रहा हूँ सीए एक तरफा कार्रवाई थी और एक तरफा कार्रवाई एक पर्टिकुलर एक एक कॉम को टारगेट अच्छा, किया गया। लेकिन ये जो फैसला है, मेरी बात सुनिए आप, देखिए गौरव जी आप बोल रहे जो वर्शिप एक्ट एक तरफा नहीं थी, ये कौमी इतिहाद के लिए था। सुनिए वहां पे शांति भंग करने की बात थी और यहाँ शांत करने की बात है, कौमी इत्तेहाद की बात है। और अगर कौमी इत्तेहाद पे कोई भी फैसला पार्लियामेंट का आता है तो सर्वमान्य है। एक बात आप समझिए वहां क्यों विरोध था। अच्छा ये बताइए, ये तस्वीर दिखाइए, ये मुलायम सिंह जी ने क्यों कहा था और कारसेज को मरवाना पड़ता तो मरवा देता, ये बताइए। बेरोजगारी से भटकाना चाहते हैं देश को, स्पॉन्सर करके लोगों को, ये दिखाइए स्पॉन्सर करके देश को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, ऐसे मुद्दे ला करके देश को कहीं ना कहीं भटकाना चाहते हैं। देश भटकेगा नहीं, जो असली मुद्दे हैं वो दबेगे नहीं, उन मुद्दों पर सवाल हमेशा खड़ा रहेगा। क्या दिखा रहे हैं अभी तो चुनाव खत्म हुए, आपका सुपड़ा साफ हुआ है अभी थोड़े दिन पहले, भटकाने के अलावा दो महीने पहले तो आपका सुपड़ा साफ हो गया। बात नहीं कर रहे बेरोजगारी नहीं, आप बोलिए आप स्वागत करते हैं, आप हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं, महिला के ऊपर इतना अत्याचार हुआ उस पर बात नहीं करेंगे आप, चंदौली पे इतना बड़ा गायत्री प्रजापति कौन था, गायत्री प्रजापति कौन था, बलात्कार करता था मंत्री बना देते थे, वो अखिलेश यादव भी परेशान है आपके पीछे, देखिए मुफ्ती अखिलेश परेशान है पीछे, देखिए उनके चेहरे की मुस्कुराहट उड़ गई। अरे सुनिए अखिलेश भैया आपको कह रहे टिपिया के, सुनो क्या बोल रहे हो, वो देखिए पीछे, ओके नहीं वो पीछे देखिए, अजीज भाई एक सेकंड रुक जाइए आप, अभी दो महीने पहले आपको हमने पस्त किया है, दो महीने पहले नहीं है, नहीं लेकिन उसके पीछे अभी भी अभी अजीज भाई के वहाँ पीछे पोस्टर पर अभी भी लिखा आ रहे हैं अखिलेश, कहाँ आ रहे हैं अजीज, अरे भाई क्या क्यों नहीं आ रहे, 24 आ रहा है, 27 आ रहा है, बस पूछ रही खत्म हो गया, मैं तो पूछ रही थी जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती, तो अच्छी बात है ना भाई, मैं तो सवाल पूछ रही थी ना, पूछू अरे मैं आ रहे हैं अखिलेश, बस सवाल ही तो पूछा, आप क्यों इतना, अच्छी बात है ना, सड़क पर आंदोलन करेंगे, अच्छी बात है, 11 रुपए भिजवाते हैं के खिलाफ, बैनर बदलवाते हैं, आंदोलन करेंगे, ठीक है ठीक है। अब एक बात असीम वकार साहब ने विक्रमादित्य जी उठाई, उन्होंने कहा कि ताजमहल पर भी तो आज फैसला आया है, आप लोग तो कह रहे थे कि उसके अंदर वो तेजो महालय है और सुप्रीम कोर्ट माफ की जगह अदालत में जो है बकायदा फटकार लगाई गई है, जो साहब वहां पर पहुंचे उन्होंने कहा किसने बनाया जाके पढ़ लो, कल को तुम कहोगे चेंबर खोल दो जज का। नहीं नहीं देखिए जिस प्रकार की वार्तालाप उठी है और उसके ऊपर अभी तथ्य बहुत कच्चे रूप में है और आने वाले समय में लोग उस पर रिसर्च करेंगे, जिस प्रकार से अभी जयपुर की महारानी ने जिस प्रकार से वक्तव्य दिया है उनके पास तो दस्तावेज भी अवेलेबल हैं और इसके साथ में और बहुत सारे दस्तावेज हैं, अभी तैयारी करने की ज़रूरत है, अभी बहुत जल्दी है, बहुत बार कोर्ट में केस जाते हैं और बहुत बार जब बेस सही नहीं होता है तो हट जाते हैं, अभी तो बहुत आरंभकाल है, अभी तो आज जो बात उठी है, आज जिस श्रृंगार गौरी पे जिस पर प्रश्न उठ रहा है, कितने साल से लड़ाई चल रही है, लगातार लड़ाई चलेगी और उसमें बहुत शोध करने की आवश्यकता है और शोध करने के उपरांत ही जब बातें रखी जाएंगी तब स्वीकार होगी। लेकिन आज एक बड़ी अजीब सी बात डिबेट में हो रही है, जितने भी अजीज साहब बैठे हैं वकार साहब बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है बदहासी छा गई है, बिल्कुल ऐसा हो गया है कि मतलब जवाब नहीं बन रहा है। अभी तो प्रश्न उठने वाला है रूबिका जी एक आध दिन में कि तीन तीन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं उसमें एक भी हमारा नहीं है, अभी ये प्रश्न उठने वाला, अभी एक दो दिन में उठेगा ये प्रश्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठने वाला है, अभी ये प्रश्न अभी आने वाला, अभी मौलाना साहब बैठे शायद यही उठा देना, आज ना उठा दें कि तीन तीन कमिश्नर अपॉइंट हुए उसमें से एक भी हमारे घर का कोई नहीं था और उसके अनुसार से ये बात आने वाली, सेकुलर देश में अभी ऐसा प्रश्न उठेगा और उसमें भी राजनीति खेली जाएगी और उसमें भी अखिलेश जी सामने खड़े हो जाएंगे, अजीज जी उसमें कर देंगे, अब बकार साहब की शायद दिमाग में आई नहीं है ये खुराफात, अब ये खुराफात उठने वाली है इस देश के अंदर। लेकिन खैर जो भी हुआ है, मुझे एक प्रश्न पूछना है कि वीडियोग्राफी में दिक्कत क्या थी, एक कोर्ट ने बात करी वीडियोग्राफी में दिक्कत कहां थी भाई, क्या इस्लाम में जायज नहीं है वीडियोग्राफी, नहीं वीडियोग्राफी में दिक्कत क्या है हमसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी, आप अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए मैं शुरू करूंगा सबसे पहले कि इतिहास में गड़बड़ी तो मैंने भविष्य में कहा जाता था, वर्तमान में भी भूल चूक होता है, ये मानव स्वभाव है, ये देखिए ना कि अभी हमारे नाम के नीचे जो नाम आएगा वो मेरा नाम नहीं है। अरे आप पुराने पुराने अभी अभी नए नए अभी आप स्क्रीन पर देख लेंगे, गलतियां हो जाती है लिखने में पढ़ने में बोलने में, कि आपको कोई पंडित लिख देगा, कभी सोचने में पंडित खान नहीं लिख देगा, आपके नाम में गड़बड़ी हो करके मैं दो तीन बातें करूं, एक सर्वे साहब नहीं मैं माफी चाहती हूं, आप आपके नाम में किसी तरह की कोई, जी अलीमुद्दीन असदी साहब का नाम आ रहा, उन्हीं क्या भाई अलीमुद्दीन साहब नहीं है, क्या कर रहे हैं आप लोग, तो ये हो जाता है। बहरहाल
दो तीन बातें आई। एक तो गौरव भाटिया जी ने, मैं आपके उस वीडियोग्राफी पर क्लियर कर दूं कि वीडियोग्राफी पर मेरा शुरू से ये ओपिनियन रहा है कि ये जो लोग सामने आए कैमरे पर और जिन्होंने कहा कि कोर्ट की बात हम नहीं मानेंगे, मेरा शुरू से ओपिनियन है, मैं सामने मेरे साथ रहकर आपने विरोध किया, मेरे साथ आप रहे और उसमें आपने लगातार कहा कि विरोध किया है आपने, नहीं वीडियोग्राफी का एक भी आप ऐसा दिखा दीजिए मुझे। अच्छा, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो आपके लोग हैं, ये मैं कह रहा हूँ शुरू से लोग हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें पॉलिटिकल उनको मिला हुआ सपोर्ट। अच्छा। और अभी गौरव भाटिया जी ने जो बातें कही है इससे तो साबित हो जाता है। इन्होंने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप गैर कानूनी, आप इतने बड़े वकील हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप गैर कानूनी का मतलब संसद से पास हुआ तो फिर सीए गैर कानूनी, एनआरसी गैर कानूनी, फिर जितनी बिल पास हुए सब गैर कानूनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।